जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बोला है कि हम मंत्र नहीं देते थे, लेकिन अभी बहुत सारी शिकायतें आपकी कि गुरुदेव आप मंत्र नहीं देते, तो अगर कोई करना चाहे तो कैसे करे, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, और क्या गरीब हम साधना नहीं कर सकते, या आप आश्रम पे बुलाते हैं तो उसका आपकी फीस ज़्यादा होती है, तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, आप मंत्र अगर सोशल मीडिया पे दे दे तो। चलिए, कुछ लोगों की वजह से मंत्र देने हमने बंद कर दिए थे, अब हमने मंत्र देने चालू कर दिए हैं। अब आपको आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये देवी निरूपा गंधर्व कन्या साधना है, जो कि गंधर्व कन्या है और दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं, बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। आप यक्षिणी सिद्ध ना करके, प्रेत ना सिद्ध करके, मसान सिद्ध ना करके, मसानी ना सिद्ध करके, अप्सरा सिद्ध ना करके, और आप यक्षिणी ना सिद्ध करके, ये सारी जो होती हैं तामसिक होती हैं, लेकिन आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ ये प्योर सात्विक साधना है और बड़े ही उच्च कोटि की साधना है, और उन लोगों के लिए ये वरदान साबित होने वाली है जो लोग म्यूजिक लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कि एक्टिंग लाइन में कलाकार बनना चाहते हैं, या फिर सिंगर बनना चाहते हैं, या फिर हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहती हैं, या मॉडल लाइन में आपको जाना है। तो ये जो गंधर्व होते हैं ना, इनका काम होता है नृत्य का, देवताओं के मनोरंजन का ये काम करते हैं, ठीक है। और ये देवताओं से नीचे श्रेणी में आते हैं, जैसे यक्ष, गंधर्व, यक्षिणी, ये सब उसी में है, लेकिन यक्ष जो हैं वो देवताओं से नीचे आते हैं और देवताओं का मनोरंजन करते हैं और उनके लिए जड़ी बूटियों का सोमरस वगैरह भी बनाते हैं गंधर्व, ठीक है। तो इनका ये काम होता है, तो ऐसी ही मैं साधना लेके आया हूँ, बिल्कुल सात्विक साधना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पहले भी हमने वीडियो बना रखी है, लेकिन अब मैं मंत्र देने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसी वीडियो का ये आज मैं मंत्र देने वाला हूँ, विधि विधान के साथ, कोई त्रुटि नहीं करूँगा, कोई फेर बदल नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना, पूर्ण रूप से सात्विक साधना देना। चलिए, तो क्या क्या निरूपा गंधर्व कन्या है कौन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। दी निरूपा गंधर्व कन्या जो है एक 18 से 23 साल के बीच की लड़की है, अनमैरिड है, ठीक है। आप उनको देवी रूप में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सौम्य रूप में आती हैं और एक कन्या रूप में आती हैं, ठीक है। जो कन्या रूप में आती हैं तो भाव होता है माता का, तो आप इनको देवी और माँ रूप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बड़ी आसानी से ये सिद्ध भी हो जाती हैं और व्यक्ति के हर वो कार्य करती हैं। एक तो दिव्य दृष्टि की ये देवी हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं अपने साधक को, और किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देती हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके पास अगर किस उद्देश्य से आया है, इसके पास क्या समस्या है, इसकी इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपके पास क्या जानने आया है, भूत भविष्य वर्तमान बताने का मतलब है कि आपने पेट में क्या खाया है वो भी पता चल जाता है। ये इतनी उच्च कोटि की साधना है कि जितनी मैं तारीफ करूँ कम ही कम है। अगर कोई व्यक्ति इनकी साधना करता है तो अपने साधक को धन, यश, वैभव, सुख, समृद्धि, राजयोग, हर चीज से संपन्न करती हैं। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इनके द्वारा नहीं किया जा सकता हो। भूत भविष्य वर्तमान, किसी का भूत उतारना है, प्रेत, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान मसानी, राक्षस विधम राक्षस, चुड़ैल, खबीस, आपका साकनी डाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुछ भी निगेटिव एनर्जी, जो भी किसी प्रकार का तंत्र किया, कराया, खिलाया पिलाया, जो भी अगर किसी ने चौकी बैठा दी है, चौकी, आपका कारोबार बंधन कर दिया है, बिजनेस बंधन कर दिया, कुछ भी आप जो अगर ये साधना व्यक्ति करता है, वो संसार के वो सारे कार्य कर सकता है जो एक गद्दी या दरबार में बैठ के साधक, और बड़े ही सौम्य रूप में सिद्ध हो जाती हैं, रातों रात सिद्ध हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है,
हर चीज से संपन्न करती हैं। जरूरी नहीं है कि साधना करके आप तांत्रिक बाबा हो जा सोका ही करें, आप अपनी जीवन की उन्नति के लिए, अपने कैरियर के लिए ऐसे मंत्रों का जाप करके, ऐसी अदृश्य शक्तियों की सहायता लेके आप कुछ समय में ही जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। शक्तियों की ऐसी असीम कृपा होती है कि व्यक्ति अपने आप फेमस हो जाता है, सबका चहिता बन जाता है। अपने साधक को ये सम्मोहन प्रदान करती हैं, जो इनके संपर्क में, इसके साधक के संपर्क में आता है वो उसी का होकर रह जाता है। एक नंबर साधना है, कोई भी मेल फीमेल साधक साधी का, कोई भी माता बहन बड़े ही आराम से इसको कर सकती हैं। और कोई माता बहन करती हैं, अगर सुंदरता के लिए भी इस साधना को किया जा सकता है, क्योंकि गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं और सुंदरता के लिए इस साधना को किया जा सकता है। आप सिंगिंग करना चाहते हैं, मतलब गाना गाना चाहते हैं, या कुछ भी गायक कलाकार बनना चाहते हैं, तो ये कंठ पे बैठ के सरस्वती जैसा आपका गला बना सकती हैं, ऐसी साधना है, क्योंकि इनमें ये कला है। आप नृत्य में जाना चाहते हैं तो नृत्य के लिए भी इनकी साधना को किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बाबागिरी करें, इन ऐसी शक्तियों से आप अपनी पर्सनल जीवन, निजी जीवन को भी सुधार सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। और जो साधक हैं वो तो दिल खोल के बैठ जाओ, पिटारा खोल दिया है, अब आएंगे मंत्र, करो कॉपी जातक करना। ठीक है, अब लोगों को पता तो चलेगा ये तो चंदननाथ जी का है, कर लो कॉपी। चलिए तो शुरू करते हैं। देवी निरूपा गंधर्व कन्या साधना दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। तो इनका विधि विधान बता देते हैं। विधि विधान ये है कि ये साधना 21 दिवस से साधना है, नवरात्रि में 9 दिन में सिद्ध होने वाली साधना है। कोई भी साधक या साधी का बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। जिनके पास गुरु है वो भी कर सकते हैं, और जिनके पास गुरु नहीं है वो भी कर सकते हैं। वो भगवान शिव को गुरु मान के, या किसी भी अपने कुल देवी कुल देवता को गुरु मान के आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। 21 दिवस से साधना है। साधना रात कालीन 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद कभी भी आरंभ कर सकते हैं। एक साफ सुथरा कमरा लें, कक्ष, डेली पोछा लगाना है, साफ सुथरा सुगंधित रखना है। ठीक है, उसमें एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और उस पर सफेद कपड़ा बिछाना है। कैसा? वाइट वाइट कपड़ा मार्केट से लाके उस पर कुछ गुलाब के और चमेली के फूल रखने हैं, और ये डेली बदलना है और डेली करना है। आज पूरा विधि विधान बता रहा हूँ। उसके ऊपर ऊपर जो दीपक प्रज्वलित करना है हमें चमेली के तेल का करना है। काहे का? चमेली के तेल का, इनको खुशबू इतर वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है। चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें दिशा जो रहेगी आपकी वो रहेगी पूर्व, और आसन जो रहेगा वो रहेगा कुशा का या कंबल का या किसी भी प्रकार का। वस्त्र कोई बंधन नहीं है, आप वाइट पहन सकते हैं, ब्लैक पहन सकते हैं, आप पिंक, जो भी भगवा वगैरह पहन सकते हैं, भगवा किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। साफ सुथरे वस्त्र डेली पहने डेली धोएं, डेली पहने डेली धोएं, यानी कि प्रतिदिन पहने और प्रतिदिन धो के ही, और जो आपने फूल वगैरह फूल लगाए हैं उनको हटाएं दोबारा लगाएं, हटाएं दोबारा लगाएं। फूलों के ऊपर चावलों की ढेरी रखनी है, 3 मुट्ठी चावल लेने हैं, और 3 मुट्ठी चावल लेके जितनी आपकी मुट्ठी में है। विधि विधान बता दो, कॉपी पेन लेके लिख लेना। 100% साधना सिद्ध होगी, और दिल खोल के साधना कर लेना, मंत्र भी दूंगा इसमें। 3 मुट्ठी चावल, 2 डेली, और जो जो सामग्री बचे उसको फूल हो उनको डेली इकट्ठा करते रहे, विसर्जित नहीं करना है, इसके पीछे का भी कारण है। उसके बाद 21 दिवस से साधना है। दीपक चमेली के तेल का, आसन कुशा का या कम्बल का, वस्त्र कोई बंधन नहीं, माला रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला ले सकते हैं आप। स्फटिक लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, या रुद्राक्ष की पे भी आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, और भोग रहेगा 5 प्रकार की मिठाई, मीठी खीर, एक इत्र की शीशी, एक लोटा जल, थोड़े से फूल, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर
और एक नींबू वाली और एक नारियल वाली प्रतिदिन आपको देनी है 21 दिन तक। सारी सामग्री जो इकट्ठी हो, नारियल वगैरह, नींबू वगैरह, ये सारे अलग रखने हैं, और जो डेली चावल और फूल रखेंगे उनको अलग रखना है, ठीक है। उसके बाद में 21 दिन आपको प्रतिदिन इस मंत्र का, यानी कि 21 दिन में करते हैं तो 1,25,000 का अनुष्ठान करना है। नवरात्रि में करते हैं तो भी 9 दिन में 1,25,000 का अनुष्ठान करना है। सबसे पहले गणेश मंत्र, भैरव मंत्र, रक्षा मंत्र और फिर मूल मंत्र जो हम साधना का देंगे। ये विधि विधान है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और जो भी व्यक्ति साधना करे अच्छे के लिए करे, किसी का बुरा सोचने के लिए ना करे। मंत्र मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना कोई नशा करना है, ना किसी को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, कम से कम वार्तालाप करना है, ठीक है। और अब जो अनुभव भी आए साधना के, तीसरे दिन से आपको दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे। किसी खुशबू, इतर की खुशबू आएगी, तेज हवा के झोंके आ सकते हैं, किसी के हंसने की आवाज आ सकती है, किसी की पायल की आवाज आ सकती है, या आपके आसपास किसी के रोने की आवाज आ सकती है, या फिर आपकी खिड़की दरवाजे ऑटोमेटिक खड़खड़ा सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है, जब ये सारी क्रियाएं होंगी तो ये 21वें दिन सोया माँ के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। और उसके बाद में आपको वचन लेने हैं। अब करना क्या है, इनकी जब 21वां दिन आपका साधना का आएगा, 21 दिन में 1,25,000 का जाप करना है, नवरात्रि में 9 दिन का, जब 21वां दिन आएगा तो जो आपने चावल और गुलाब के फूल है ना वो सूख गए होंगे, उनकी शेष सजानी है, उन्हीं की शेष सजानी है वहां पे इनके लिए। जब ये आएंगी तो उस पे सवार होंगे और उसके ऊपर ताजे गुलाब के फूल रख देने हैं और एक माला रख देनी है, ठीक है। जब ये आएंगी तो इनको इनका मीठे का भोग, खीर का भोग और आसन पे विराजने कहिए। जब भी आप कहीं दरबार या गद्दी लगाएंगे तो उनका आसन अलग ही लगा के रखेंगे कि हे देवी, हे माँ, हे देवी निरूपा गंधर्व कन्या, आप आइए और विराजमान होइए और इस दरबार को, इस सभा को चलाइए और मुझे सारे सवालों का जवाब दीजिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। आप जब भी इनका आह्वान करेंगे ये सीधी खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। इतनी उच्च कोटि की साधना है कि कोई व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है, लेकिन भयभीत ना, भयभीत करती हैं शक्तियां, किसी के रूप में भी आ सकती हैं, आवाज दे सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें आसन से नहीं उठना है। शरीर कीलन हम करके बैठे हैं, सुरक्षा घेरा लगा के बैठे हैं, घबराना नहीं है। शक्तियाँ जो होती हैं वो बहम दिखाती हैं, शक्तियाँ कुछ अलग महसूस कराएंगी, आगे का दिखाएंगी, हमें भयभीत करती हैं, हमें डराने की कोशिश करेंगी कि आप साधना खंडित करो। योगिनियाँ परीक्षा लेती हैं देवियों की, तो बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है। और साधना के अंतिम दिन वो जो नारियल बचे ना, साधना के अंतिम दिन उन नारियलों को, उस नारियल की और वो जो बाकी चावल बचे और दूध की खीर बना के प्रसाद के रूप में आपको बच्चों को खिलानी है या गौ माता को खिलानी है। जब आपकी साधना सफल हो जाए उसके बाद में उसकी खीर बना के भोग देवी को भी लगाना है, देवी निरूपा गंधर्व कन्या को, और उसके बाद में वो प्रसाद गौ माता को या बच्चों में बांट देना है। और जिन जिनके मुंह वो प्रसाद लगेगा उन उनके दिन सुधर जाएंगे, वादा कर रहा हूं मैं। इतनी दिव्य साधना है, मंत्र स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको, कर लो दिल खोल के साधना। कितने करने वाले हो, चंदन नाथ जी अब पिटारा खोल के बैठे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और साधना करने से पहले आश्रम के नंबर पे कॉल करनी जरूरी है। साधना जब ही फलीभूत होगी, मंत्र बेशक दे रहा हूं बिना दक्षिणा के सिद्ध नहीं होगी, जब तक चंदननाथ जी मंत्र को उत्कीलन नहीं करेंगे तुम्हारे नाम पे। जो भी व्यक्ति करना चाहेगा साधना का शुल्क पे करेगा, मंत्र भी दे दिए चलिए, लेकिन साधना का लाभ जब ही मिलेगा जब चंदननाथ जी, मतलब आश्रम में चंदननाथ जी को नहीं चाहिए, आश्रम में दान करना पड़ेगा।
दान जरूर करना पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 2100 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा फिर तो आपके ऊपर की बात है, 2100 उससे लिए जाएंगे जो 2100 के लायक होगा, और जो ज्यादा के लायक होगा उससे ज्यादा लिए जाएंगे। ध्यान रखना आश्रम में दान करने के लिए, ये उनके लिए ऑफर है जो लोग साधना करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं। बहुत करते हो कि हम तो गरीब हैं, गरीबों का काम नहीं होगा। अरे गरीबों का तो सबसे पहले काम होगा, गवर्नमेंट भी गरीबों के लिए काम करती है, सबसे पहले फैसिलिटी गरीबों को ही मिलती है। चलिए हम जो बैठे हैं आप लोगों के लिए तो बैठे हैं, कीजिए साधना और बनाइए अपने जीवन को सुखमय, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शिव शक्ति धाम से जुड़ें। और किसी को तंत्र बाधा हो, तंत्र जैसी समस्या हो, किसी का कारोबार बंधन हो, किसी ने भूत प्रेत जिन जिन्नात कुछ भी किसी ने लगा दिया, खिला दिया, पिला दिया, नहला दिया, धुला दिया, जो भी है गणंत कर दिया, चौकी बैठा दी, किसी की मैडम नहीं आ रही है, किसी के मिस्टर नहीं आ रहे, मिस्टर रूठ गए, मैडम रूठ गई हैं, तो आप अपना समस्या का समाधान शिव शक्ति धाम में, शिव शक्ति साधना केंद्र में कॉल करके करा सकते हैं। और आप जो रूठे हैं उनको, दो रूठों को मिलाने का काम शिव शक्ति धाम में किया जाता है, दो एक घर को टूटने से शिव शक्ति धाम में बचाया जाता है, ठीक है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, और शिव शक्ति धाम आप सभी लोगों का है, पूरे भारतवासियों का है, पूरे सनातन जितने भी सनातनी हैं उन सभी का है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री बाबा।